फाइनली हैव रीच्ड कुमराट वाटरफॉल और थोड़ी सी बस हमने हाइक की और फौरन से हम पहुंच गए. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल और इसकी हाइट भी अच्छी खासी है कि आप अगर देख रहे हो बहुत कहीं पीछे से पानी आ रहा है और इट्स रियली ब्यूटीफुल. बेसिकली जो एंड पे जाके नीचे जाके पानी गिर रहा है वो आपको नीचे भी लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा आपको मैं यहाँ से इसका व्यू दिखा दूँ. और अगर इसकी हाइट के हवाले से बात करें ना तो ये सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 8000 फीट है और यहाँ पे इस वक्त काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं. उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली ये कुमराट का वो पॉइंट है विच इज़ द फेमस वन, और यहाँ पे अगर कहीं और लोग जाए ना जाए यहाँ पे लोग लाजमी आते हैं जब भी वो कुमराट आते हैं. और जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे होते हैं ना तो नीचे आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की चीज़ें टक शॉप्स इस तरह की मिलती हैं. उसकी मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का रश है. और इसके अलावा थोड़ी आगे भी जगह है वहाँ पे अमूमन लोग कम जाते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल डू कम इन हेयर. सो अभी जो है आई एम फीलिंग दैट आई हैव टू गो डाउन. नीचे लोग बेसिकली ना आबशार में वो पानी नीचे जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे नहा भी रहा है. सो मैं सोचूंगी नीचे चलते हैं और चल के आपको मैं नीचे से व्यू दिखाती हूँ. नीचे आई हूँ और पानी के थोड़ा और करीब भी आ गई हूँ और करीब आके मैं अंदर हाथ लगा के भी चेक करी थी, भाई पानी बहुत ठंडा है एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि लोग कैसे नहा रहे थे इतने ठंडे पानी में. दो मिनट के लिए हाथ अंदर नहीं रखा जाता लेकिन लोग नहा रहे थे इसमें. सो इसका पानी जो ना इवन सर्दियों में होता है कि जम जाता है, इतनी यहाँ पर ठंड होती है. और गर्मियों में भी अच्छा खासा आजकल के मौसम में जो है ना पानी इसका अच्छा खासा ठंडा होता है. और इसका पानी जो है वो बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है, साफ शफाफ. आपको क्लियरली एंड तक के जो पत्थर है ना वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं. सो अगर आप यहाँ पे आते हैं वाटरफॉल पे तो इसके इर्द गिर्द भी कुछ जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं. बेसिकली तो आपको पता है कि पूरे के पूरा कुमराट जो है सारा जंगल है और यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाएं तो यहाँ बड़े खूबसूरत व्यू पॉइंट्स हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग अराउंड. तो आप आबशार के साथ साथ इर्द गिर्द की जो जगह हैं वहाँ पर जाके उन व्यूज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं. थी कुमराट वाटरफॉल जो कि मैंने आपको दिखाई, दिस वाज सुपर ब्यूटीफुल. और अभी मैं कुमराट वाटरफॉल पे ही थी कि बारिश होना शुरू होगी, फिर एकदम से अच्छी खासी तेज़ बारिश होगी तो मैं थोड़ी देर रुक गई. वहाँ पे ना एक ढाबा सा बना हुआ था, चाय शाय पी थोड़ा वेट किया. तो अब थोड़ी बारिश रुकी है, मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, कदरे बेहतर. तो अब मैंने कहा निकलते हैं इससे पहले कि लेट हो, क्योंकि आगे जा रहे हैं फिर वापस आना ये ना, और कि शाम ही हो जाए ना, अंधेरा हो जाए, फिर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो कोशिश यही है कि अंधेरा होने से पहले कि हम वापस अपनी जो लोकेशन है उस तक पहुंच जाएं. एटलीस्ट ये है कि कोई बिल्कुल शाम होने से पहले मैं उसे 2-3 घंटे वहां से पहले निकल आऊं, ताकि टाइमली जो है हम अपना जो स्टे है वो उसका अरेंज भी कर लें और वहां आके रुक भी जाएं. सो खैर अभी हम जा रहे हैं तो ग्वाला चश्मा पे, वहां पे कुछ देर रुकेंगे. यानी वी फाइंड टाइम, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जो थोड़ी सी लोकेशन है वहाँ पर भी जाएँ.